आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। धन्यवाद। सबसे पहले मैं लद्दाख के धरती पर पहली बार आया हूं। लद्दाख का जनता को नमन करते हुए आज लद्दाख का यूटी का यूनियन टेरिटरी का दर्जा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर अमित शाह जी ने आज इस दर्जा, आप लोगों का 70 साल का मांग था, यूटी चाहिए। इस यूटी का भारतीय जनता पार्टी का सरकार आप लोगों का डिमांड के ऊपर इंप्लीमेंट 1 साल से हो रहे। हमारा लद्दाख 1 साल का बेबी है। इस बेबी को हाथ में हमारा हाथ लेकर आगे बढ़ाना, विकास के ओर ले जाना हमारा सरकार का जिम्मेदारी भी बनता है। जरूर हम जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक स्टेट है भारत के लिए। लद्दाख एक स्ट्रैटेजिक स्टेट है, एक सेंसिटिव प्लेस भी है। इसी दृष्टिकोण में लद्दाख को पूरा तरह लद्दाख का जनता का आशीर्वाद से इस प्रांत का सुरक्षा करना, इस प्रांत का विकास करना, इस प्रांत का जनता का मनोभाव से आगे ले जाना नरेंद्र मोदी सरकार जरूर करेंगे। आदरणीय प्रमुख महानुभाव जो वेटरन लीडर्स कल परसों जो दिल्ली में चर्चा किए थे, चर्चा के अंदर एक विकल्प निकल के आया। अमित शाह जी यही बोले, जो आप शेड्यूल का बात कर रहे, एक शेड्यूल एक स्टेट में एक प्रांत में अगर कोई छोटा सा एरिया उसको कोई प्रोटेक्शन देना है, इसके लिए वो सिक्स शेड्यूल बनाते हैं। मगर हम पूरा लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड बनाएंगे। हम आपको कोई चिंता नहीं करना चाहिए। जो आप लोग मांग रहे उससे ज्यादा विकास हम लद्दाख में करना चाहते हैं। हमारा ऊपर मोदी जी के ऊपर विश्वास रखिए। मोदी जी जैसा यूटी बनाया वैसा लद्दाख का जनता का विकास भी हो। लद्दाख का जनता का जो लिंग्विस्टिक का सेफ गार्ड हो, जो भाषा लैंग्वेज का सेफ गार्ड हो, जो लिटरेचर का सेफ गार्ड हो, लैंड का सेफ गार्ड हो, नौजवान के लिए एम्प्लॉयमेंट का सेफ गार्ड हो, विरासत का सेफ गार्ड हो, इंडिजिनस ओरिजिनल पीपल का सेफ गार्ड हो, सभी विषय पर हमारे को दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। हमारा सरकार को लद्दाख का प्रोटेक्शन करना, लद्दाख को सेफगार्ड करना नरेंद्र मोदी की सरकार कटिबद्ध है। ये सबके सामने आदरणीय अमित शाह जी जो डेलीगेशन के सामने बताए। हमारे सांसद भी बार बार, मैं जम्मू कश्मीर का अफेयर का इंचार्ज था,
और उसके साथ साथ यूटी भी मेरा जिम्मेदारी दिया है अमित शाह जी। अभी जम्मू कश्मीर हो गया, यूटी भी हो गया, इसको यूटी भी कारण से ये भी काम देखने का जिम्मेदारी बनता है मेरे को। इसका कारण से हमारा स्थानीय सांसद नामियाल जी बार बार मेरे पास आता था, पार्लियामेंट में बाहर मेरे ऑफिस में कुछ डेलीगेशन लेके भी इसमें से आए मेरे पास। हमारा जनता को सेफगार्ड चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होना चाहिए, ऐसा बार बार पार्लियामेंट में उठाया, बाहर भी बताया। मैं जब भी वो आया हम अमित शाह जी के पास ले जाते थे, बताते थे, अमित शाह जी समझाते थे जरूर करेंगे, आप जनता को समझाओ, हम आपके पक्ष में, आपके हित के पक्ष में, जनता के हित के पक्ष में, लेह लद्दाख के जनता के विकास के पक्ष में है, हम बार बार बताते थे। अभी मैं विश्वास दिला रहा हूं, जो आज एफएक्स बॉडी, जो वेटरन लीडर्स, जो रिलीजियस लीडर्स, जो भी आज निर्णय लेके इलेक्शन का प्रोसेस में भागीदार होने के लिए, स्मूथ चलने के लिए जो एक्सेप्ट किया है भारत सरकार की ओर से, मैं सब लोगों को, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव हो, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, ब्लॉक डेवलपमेंटल चुनाव हो, हिल डेवलपमेंटल काउंसिल का हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, इस डेमोक्रेसी में हर चुनाव का अपना अपना महत्व रहते हैं। इसीलिए चुनाव चलना, चुनाव में भागीदार होना, अपना मत देना, ये डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इस चुनाव के लिए, जो प्रोसेस के लिए जो एक्सेप्ट किया है, मैं सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का यही बताए, जो आने वाले दिन में जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड के विषय पर भारत सरकार जो निर्णय लेने वाला है, नॉट ओनली कंसल्टेशन, वी विल टेक कंसेंट ऑफ द लेह एंड लद्दाख का जनता का कंसेंट लेके हम इसको प्रोटेक्शन करेंगे। ऐसे बता, यही शब्द यूज किया, नॉट ओनली कंसल्टेशन, वी विल टेक कंसेंट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस एरिया वेटरन लीडर्स, ऐसा बताएं। और मैं लद्दाख का जनता को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं, जब जब देश को खतरा आया, जब जब इस लद्दाख का जनता का सहयोग देना पड़ा, वो मन से जान पे खतरा रहकर भी, जब कारगिल के समय पर भी हो, 62 के चाइना के युद्ध के समय पर भी हो, और लेटेस्ट चाइना का जो टेंशन हो, अभी भी लद्दाख का जनता का सहयोग पूरा दिया है, दे रहे हैं, आने वाले भी देंगे। लद्दाख का जनता राष्ट्रवाद के साथ मिलजुल कर चलने वाले जनता है, लद्दाख का जनता देशभक्ति के रास्ता पे चलने वाले जनता है। इसलिए उस जनता को पूरा संतुष्ट रखना, इस जनता को जो भी समस्या है समस्या दूर करना, राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर चलने वाले, देशभक्ति के सिद्धांत पर चलने वाले नरेंद्र मोदी जी सरकार का जिम्मेदारी बनता है। हम राष्ट्रवाद के आधार पर चलने वाले सरकार है, देश के लिए मर मिटने वाला सरकार है, हमारे लिए देश प्रमुख स्थान में रहते हैं। इसलिए देश के बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं, व्यक्ति ना व्यक्ति होगा, ना संस्था होगा, ना पार्टी होगा, ना राजनीति होगा, हमारा देश लिए सबसे बड़ा ऊपर है। इसलिए इस देश को बचाने में लद्दाख का जनता आगे रहते हैं, इसलिए लद्दाख का जनता का विकास
इस प्रांत का विकास हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसलिए मैं राष्ट्रीय सुरक्षा हानि पहुंचाने का कुछ देशों की तरफ से प्रयास चल रहा है, खतरा भी चल रहा है, ऐसे समय पे इसमें एकजुट होकर लद्दाख का जनता इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना। देश एकजुट है, हम कोई अलग नहीं है, ऐसा बताना मैं समझता हूं। हमारा मन साफ है, मैं बताना चाहता हूं, हमारा मन साफ है इस विषय पर भी। लद्दाख जनता के आकांक्षा पर हम पूरा सम्मान करेंगे और लद्दाख के जनता प्रतिनिधियों के साथ, प्रमुख लोगों के साथ हिल डेवलपमेंटल काउंसिल के चुनाव में पूरा होने के बाद हम दिल्ली में बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। जो भी भारत सरकार का सोच है उनके सामने रखेंगे, उनका कंसेंट लेकर, क्योंकि अभी इलेक्शन कोड है, अभी कुछ बोल नहीं सकते। इसे भारत सरकार का प्रयास है, इसके लिए पूरा प्रोसेस ऑनगोइंग है, जल्दी इसका काम भी शुरू होगा। उसके साथ साथ इधर जो टूरिस्ट सेंटर है, आने वाले दिन में टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लद्दाख का, फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का अपग्रेड करके ये प्लानिंग कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लद्दाख का DPR बनाया है, लगभग 33 करोड़ का इसका प्रपोजल भी दिया है। मैं जी दिल्ली जाने के बाद इस विषय पर भी ध्यान देंगे, एक अच्छे इधर के नौजवानों को टूरिज्म विषय पर ट्रेनिंग करने के लिए इस इंस्टीट्यूट आने वाले दिन में काम होगा। इस कोरोना का संदर्भ में ईरान इराक में लगभग लेह लद्दाख के लगभग 1000 पिलिग्रिम्स उधर फंस गए थे, उनके स्पेशल फ्लाइट से लेह लद्दाख के नौजवान को ईरान इराक से 1000 स्टूडेंट्स को, पिलिग्रिम्स को हम लाए हैं, आप सब लोगों को मालूम है। वैसे ही अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर रहे, इधर जो एम्प्लॉयज है 7th CPC ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उसके आधार पर 10% स्पेशल ड्यूटी अलाउंस लेह लद्दाख का काम करने वाले एम्प्लॉयज को प्रावधान किया है। उसके साथ साथ 942 MSME यूनिट्स को लगभग 28 करोड़ अभी सब्सिडी बैंक लोन्स का, सब्सिडाइज्ड बैंक लोन्स अभी दे चुके हैं। उसके साथ साथ लगभग 1921 करोड़ से कारगिल जनस्कार हाईवे इसका अप्रूवल हो गया, ये भी बड़ा काम, लोगों को रोजगार मिलेगा, कनेक्टिविटी होगा, बड़ा अमाउंट भी इधर खर्च होगा। उसके साथ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी अप्रूवल हुआ है, इसका भी एक बुद्धिस्ट स्टडीज भी एक सेंटर इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम खोलने वाले हैं, अच्छे फुल फ्लेज्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में एक सेंटर सेपरेट विभाग होगा, ये भी आने वाले दिन में होगा। ले एंड कारगिल ये स्मार्ट सिटी के नाते डेवलप करने वाला है, ये भी आने वाले दिन में प्रपोजल है। उसके साथ साथ 54 मोबाइल टावर्स यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा सैटेलाइट कनेक्शंस का 54 टावर्स, नया टावर्स भी लेह लद्दाख में हम इरेक्शन करने वाले हैं। फुल इंटरनेट सर्विस कारगिल में ओपन किया है और जो लास्ट में भी अलग अलग अमेंडमेंट्स किया है। उसके साथ साथ अलग लद्दाख पुलिस का कॉन्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये घर बसाने के लिए कितने समय लगता है, मगर एक प्रांत बसाने के लिए समय भी लगता है, अलग पुलिस का भी
दर्जा देते हुए उसका अलग सर्विसेस किया है। उसके साथ साथ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नंबर वन, लद्दाख पुलिस सर्विस नंबर टू, लद्दाख पुलिस फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन सर्विसेस का भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रपोजल तैयार किया है। उसके साथ साथ जिला सैनिक वेलफेयर, राज्य सैनिक वेलफेयर उसका भी अपग्रेड करने वाला है। पहले एक डिस्ट्रिक्ट के नाते रहते थे, अभी एक स्टेट के नाते ये जिला सैनिक वेलफेयर राज्य सैनिक बोर्ड का अपग्रेड करने वाला है। उसके साथ साथ लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी उसका भी, लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी भी आने वाले दिन में हम कॉन्स्टिट्यूट नोटिफाई किया है। एक पवनंस हेलीकॉप्टर परमानेंट इधर रहना, ऐसा अमित शाह जी का मन है। कभी भी कोई भी हेल्थ का हो, पेशेंट का हो, कोई इमरजेंसी हो, एक पवनंस का हेलीकॉप्टर 24 hours 24x7 इधर एक स्टेशन में रहना चाहिए। वैसा भी निर्णय करके कोई भी इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयास करें। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी मैं लद्दाख के नौजवानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स में अच्छे आप लोगों को आने वाले दिन में इंकरेजमेंट करने का, आगे बढ़ने का स्कोप है। इसके दृष्टि से अजी अभी अभी ब्लैक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्स हुआ है, उसमें 817 बाय स्टूडेंट्स, 153 गोल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया है। लद्दाख फूड सिक्योरिटी एक्ट को भी अभी एडिशनल सब्सिडी का जो आने वाले दिन में भी उसका कॉन्स्टिट्यूट हो गया, उसको भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फंड 3.54 crore से ये एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने वाला है, उसको ऑलरेडी पैसे भी दे दिए हैं। उसको जो भी सुधार, एयरपोर्ट को सुधार हो सकता है, उसका भी 3.5 crore का नया देने वाला है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगभग 7 नया मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो गया, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है उसमें 4% लेयर लद्दाख के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन का प्रावधान दिया है। 4% सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में लेयर लद्दाख के स्टूडेंट्स को, जम्मू कश्मीर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, जम्मू कश्मीर में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनके लिए 4% रिजर्वेशन स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी ऑर्डर निकाल चुके हैं। वैसा ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो नीट है, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी 5% सीट्स लेयर लद्दाख के बच्चों को, जो श्रीनगर में जो स्कूल है उसमें रिजर्वेशन किया है। मैं लेयर लद्दाख के नौजवानों से अनुरोध करता हूँ, स्टूडेंट से वो रिजर्वेशन को वो लेयर कारगिल वो बच्चों उसको यूटिलाइज करना चाहिए। उसके साथ साथ जो आने वाले दिन में मेजर ब्रिजेस, 13 मेजर ब्रिजेस एंड 50 किलोमीटर्स ऑफ रोड पूरा हो गया, उसके लिए 250 crore का खर्च किया है केंद्र सरकार। टेलीमेडिसिन का भी दिया है, मोटिवेशन लगभग 20% बढ़ाया गया, ऑल इनपुट्स वेयर अवेलेबल किया है। इसके कारण से 20% कल्टीवेशन इस एरिया में, इस प्रांत में बढ़ गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख हैज बीन सेटअप एंड हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ जो कोरोना का संबंध में ऑनलाइन मोबाइल ऐप 1 to 12 स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस जो पढ़ते हैं उसके लिए भी दूरदर्शन के द्वारा, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा जो पढ़ाई करने के लिए भी हम प्रावधान किया है। वैसा ही जो स्टूडेंट्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक एंड टर्फ फुटबॉल ग्राउंड्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है, ये भी अच्छा
आने वाले दिन में बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो स्पोर्ट्समैन को उपयोग होने वाला है। ऐसा ही जो मंथली ऑनोरोरियम सरपंचस हो और न्यूली इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल हो, उसके लिए भी अलाउंसेस बढ़ाए। और उसके साथ साथ जो 14th फाइनेंस कमीशन का पैसे है, उसका पूरा ग्राम पंचायत सरपंच को ऑनलाइन के द्वारा उनको डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे। ये भी पहली बार आजाद के बाद पहली बार ग्राम पंचायत विकास के लिए, ग्राम पंचायतों को, गांवों को डेवलपमेंट करने के लिए ये पैसे भी डायरेक्ट केंद्र सरकार सरपंच के अकाउंट को DBT के द्वारा हम ट्रांसफर करें। और आने वाले दिन में अच्छे पैकेज के लिए केंद्र सरकार प्लान कर रहे, वो पैकेज प्लानिंग शुरू हो गया। कौन सा में इंप्लीमेंट होना चाहिए, कौन सा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रोजगार कैसा बढ़ाना चाहिए, रोजगार जो ले एंड कारगिल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को कैसा मिलना चाहिए, नौजवान को, इसी दृष्टिकोण से भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर एजुकेशन में भी ये पैकेज कैसा इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसी दृष्टि से भी प्लान करें। लगभग 6000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का जो पोस्ट देना चाहिए, ऐसा एक प्लानिंग चल रहा है। इसका भी आने वाले दिन में जो 6000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पोस्ट जो रिक्रूटमेंट आने वाले दिन में होगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशंस जो CPW हो, NBCC हो, वापकोस हो, तो सभी इधर आने वाले दिन में डेवलपमेंटल एक्टिविटी में भागीदार होना, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना, लोकल जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना, लोकल जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हुई उनको नया टेक्नोलॉजी देना, ऐसा हर विषय पर ये छोटा छोटा विषय में बताया। और आने वाले दिन में अच्छे लेह लद्दाख के विकास के विषय पर भारत सरकार पूरा समर्पित है, इसलिए मैं लेह लद्दाख की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखिए। आप लोग आने वाले दिन में इस विकास के लिए हर व्यक्ति भारत सरकार के साथ, वैसा ही लेह लद्दाख का गवर्नमेंट के साथ मिलजुल कर आने वाले दिन में काम करेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। ये लेह लद्दाख जो पिछड़े है, ये दूसरे प्रांतों के साथ आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे कारगिल के साथ।